दोस्तों चंपारण का एक किसान राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता है, लेकिन गांधी जी बहुत ज्यादा बिजी हैं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स में, इसलिए वो जहां जहां गांधी जी जाते हैं पीछे पीछे वो वहां चला जाता है। तो आखिर में गांधी जी से वो मिलता है और उनको बताता है कि आपको हमारे साथ चंपारण चलना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों का किसानों के तहत जो जुल्म है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो गांधी जी मान जाते हैं और गांधी जी पहले जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर और फिर उसके बाद वो मुजफ्फरपुर के लिए निकलते हैं और वहां पर जेपी कृपलानी उनको प्रोफेसर मलकानी के घर ले जाता है, जहां पर गांधी जी वकीलों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको डांटते भी हैं क्योंकि वकील किसानों से बहुत ज्यादा फीस ले रहे थे। मसला यह है कि वहां की जो उपजाऊ जमीन है वो अंग्रेजों के पास है, जहां पर किसान काम करते हैं और उनको 15% में नील मतलब इंडिगो उगाना होता है। तो जब जर्मनी सिंथेटिक इंडिगो को लाती है उसका प्राइस काफी कम होता है जो नेचुरल इंडिगो उठती है, इसलिए अंग्रेजों को लॉस झेलना पड़ता है। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसमें किसानों को खूब फंसा देते हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी जमीन ले लीजिए, बदले में आप हमको मुआवजा दिएगा। तो कई किसान लोग मान जाते हैं, अंग्रेज उनसे पैसे ले लेते हैं, इसीलिए वो राजकुमार शुक्ला उनको चंपारण लेकर आता है कि आप हमारे पैसे वापस दिला दीजिए।